हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फी क्लासेस में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इस वाले पूरे वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 से 10 तक हैं। और यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मिल रहा है जो कि कुमार मित्तल बुक से है, और अदरवाइज NCERT एग्जांपल्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे, और सारे के सारे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं 2023 में, 2023 या 24 जो भी हो 2022 तक, सारी के सारे एग्ज़ाम्स के कलेक्शन इस वाले वीडियो में आपको मिलेगा। इस जो पार्ट वाइज आपका ये सीरीज चल रही है कुमार मित्तल बुक से, इसमें सारी की सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 3, जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो, 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। उत्तर इसका आया है यहाँ पे 7.17 × 10⁻¹⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि अब इसको हम लोग सॉल्व करने हैं, और इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास ये कि माध्यम का परावैद्युतांक बराबर माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसके बराबर होता है एप्साइलन बटे एप्साइलन नॉट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें एप्साइलन नॉट का मान पता होता है, एप्साइलन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको इसका मान जो होता है वो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था और आपको बेहतर ढंग से इसको आता होगा। और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है, और माध्यम का परावैद्युतांक आपका दिया है 81.0, यानी कि टोटल कितना है 81% है। यहाँ पे आप एक बार रिवाइंड देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है 81, जल का परावैद्युतांक यानी माध्यम का परावैद्युतांक यहाँ पे दिया है 81.0 यानी कि 81। चलिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम रखते हैं परावैद्युतांक का मान हमारे पास है 81 बराबर, ये हमें निकालना है, और इसका मान हमें पता होता है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये आपको समझ आया। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका मान आराम से निकल जाएगा, और इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे एप्साइलन बराबर 81 × 8.85 × 10⁻¹². ठीक है, अब एक्स का गुणा कराएंगे तो एप्सिलॉन का मान जो होगा हमारे पास आ जाएगा 717.0, यानी कि अगर हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो 717 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा। समझ आया आपको, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, और जब आप खुद से करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे गुणा होगा ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, आप कर लीजिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं आंसर क्या सही है कि नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आंसर आपका एकदम राइट आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और इसमें सवाल दी हुई है हमारी कि यहाँ पर दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिआकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिआकर्षण बल की गणना करना, यानी कि हमेशा याद रखिएगा ये सिस्टम जब भी होगा हमेशा धन और धन की बात होगी, क्योंकि इसी के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। प्रतिकर्षण बल की गणना करना है, और जबकि उसके बीच की दूरी यानी जो आर का मान है वो दिया हुआ है 4.0 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इतना आ रहा है। चलिए इसको हम बेहतर ढंग से सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि
कि यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या क्या गिवन है। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो प्रोटॉन है, यानी कि एक ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, क्योंकि दो प्रोटॉनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है और इस पर प्रोटॉनों पर कोई ना कोई आवेश होगा। माना एक पे Q1 आवेश है और एक पे Q2 आवेश है। तो R का मान इन्होंने दिया है 4.0 × 10^-15 मीटर, यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी दी हुई है इन्होंने। अब इसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो ये जो चीज़ें हमारे पास मिल रही हैं उसके बाद, क्योंकि प्रतिआकर्षण बल की हम लोग बात करते हैं तो प्रतिआकर्षण बल हमेशा धन और धन के बीच होता है ना। और अगर Q1 का मान जानते हैं तो क्योंकि किसी भी प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1.6×10^-90 कूलम आवेश होता है और Q2 पर भी उतना ही होगा, 1.6×10^-19 कूलम आवेश होगा। और यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का, सॉरी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है 1/4πε₀Q1Q2/r², यानी कि ये वाला जो फार्मूला है वो हमें बेहतर ढंग से चैप्टर वाइज में चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से रट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बीवी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में इसका प्रूफिंग भी होगा, सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। पहले इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ हमें डिफाइंड है और केवल हमें कुछ नहीं करना, केवल इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें रख देना है, बस सिंपल सा केवल और केवल रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये होता है, यानी ये वाला सिस्टम, इसका मान हमारे पास होता है 9×10^9, राइट। और यहाँ पे Q1 का मान इन्होंने इतना दिया था और Q2 का मान इतना दिया था, मैंने कुछ नहीं किया केवल रख दिया। और R का मान दिया था इन्होंने 4×10^15, ये गिवन है क्वेश्चन में, आप बैक करिए और देख लीजिए। और यहाँ पे R का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है कि जब हम इन दोनों का करेंगे गुणा, क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करने के बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है तो आप डायरेक्टली कर लीजिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि गुणा करना आपको आना चाहिए, आप क्लास 12th में हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.04×10^-29। क्यों, क्योंकि ये 39 हो जाएगा और 9 घट जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा और घटेगा तो 29 आ जाएगा, ये 29 आ गया और बटे में आएगा 16×10^-30। और जब इसे भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14.4 न्यूटन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए मैंने ले लिया है और आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से प्ले करके देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 192 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10^15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ये चीज़ हमें निकालना है कि अल्फा कण पर जो बल कार्यरत होगा वो कितना होगा, यानी F का मान निकालना है। और यहाँ पे एक चीज़ संकेत दिया हुआ है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संकेत दिया हुआ है कि उत्सर्जित जो अल्फा कण का आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ये पहले से पता है। अतः विघटित परमाणु के केंद्र पर जो आवेश होगा वो 92 इलेक्ट्रॉन से घट के 90 रह जाएगा, समझ आ रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे ये संकेत दिया हुआ है, और तो जो अल्फा कण पर कार्यरत बल होगा, ये हम देखते हैं वो कण क्या होगा हमारे पास। यहाँ देखेंगे कि अगर 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण, क्योंकि 2 हीलियम 4 होगा और उत्सर्जित होगा तो हमेशा 92 से घट के 90 रह जाएगा, ये उन्होंने दिया है। और अल्फा कण पर कार्यरत जब बल निकालेंगे तो हमारे पास ये जो बल आएगा उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे के और Q1Q2/r², ये होता है हमारे पास किसी भी अल्फा कण पर कार्यरत बल। तो आई होप कि ये समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से आपको याद हो जाए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें K का मान दिया हुआ है, क्योंकि K का मान हमें आप, क्योंकि K का मान होता है 1/4πε₀, इसका मान, और ये हमारे पास मान यहाँ पे दिया हुआ है। और हम जानते हैं Q1 जो है वो 90 इलेक्ट्रॉन रह गया है, यहाँ देख सकते हैं 90 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना, 1.6×10^-9
19 कूलम रह जाएगा। और जब Q2 की बात करेंगे तो Q2 यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 1.6, क्योंकि ये यहाँ से 2 बच गया है और इसको हम गुणा करा देंगे तो 3.2 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा, ये Q2 का मान हो जाएगा। और R का मान आपको पता है यहाँ पे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास R का जो मान है वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें अब कुछ नहीं करना है, सारे के सारे वैल्यू को एक जगह पे पुट अप करनी है। और फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर हम जानते हैं कि हमारे पास होता है K Q1 Q2 / R² सिंपल सा सबका मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और गुड़े उसका गुणा कराएंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 × 1.6 × 10⁻¹⁹ और फिर से Q2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ और बटे में हो जाएगा पूरा यहाँ पे हमारे पास 9 × 10⁻¹⁵ इसका हो जाएगा स्क्वायर। यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है और इसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 और 90 का गुणा और इसका गुणा कराएंगे, ये तीनों घात हैं, ये घात है और ये घात है और ये घात है, इन तीनों घातों को सॉल्व करेंगे तो घातों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डायरेक्टली कर देते हैं 512 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा लगभग -20 के बराबर। और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो घट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -18 न्यूटन। और इसको अगर किसी और तरीके से बदलना चाहेंगे तो डायरेक्टली इसको 512 शायद आंसर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे मैथ्सवी क्लासेस को और इससे जुड़कर और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाएं। मैथ्सवी क्लासेस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 11th, 12th, 10th सारी के सारे क्लासेस के वीडियोज़ आपको मिलेंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।